हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड पे नज़र बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वन टीयर एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। 1 टन ऑफ आइस को 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है या जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है उसे बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक बार ध्यान से सुनिए, 1 टन ऑफ आइस को 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक्चुअल में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है? 210 किलो जूल पर मिनट, ये आपके आरआरबी एएलपी के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 210 किलो जूल पर मिनट, 3.5 किलोवाट या फिर 50 किलो कैलोरी पर मिनट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीओपी रेफ्रिजरेशन अगर आप पढ़ रहे तो सीओपी से तो आप परिचित होंगे। सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे इंजन की एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, वैसे ही रेफ्रिजरेशन की एफिशिएंसी को सीओपी भी मेजर करता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में मेजर करते हैं। सीओपी की डेफिनेशन क्या होती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमेशा ई वेपोरेटर बताता है। कौन बताता है? ई वेपोरेटर बताता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमेशा बताता है ई वेपोरेटर। और जो वर्क डन है वो किसका है? कंप्रेशर का वर्क डन है। कंप्रेशर का वर्क डन, ऑब्वियस सी बात है। देखो एक्चुअल में सीओपी किसी भी सिस्टम की या रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। और सीओपी किसी भी सिस्टम की रनिंग कॉस्ट को बताती है। अगर किसी सिस्टम की सीओपी ज़्यादा है तो उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी, अगर किसी सिस्टम की सीओपी कम है तो उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। यानी किसी सिस्टम की रनिंग कॉस्ट को कौन बताता है? सीओपी बताता है। और सीओपी हमेशा 1 से बड़ी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो सीओपी की डेफिनेशन क्या हुई? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? ई वेपोरेटर प्रोड्यूस करता है। और वर्क डन कंप्रेसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चलो ध्यान से देखिएगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ई वेपोरेटर। कंप्रेशर क्या करता है? ई वेपोरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ई वेपोरेटर और कंडेंसर दोनों ही फेज चेंज करने का काम करते हैं। कंडेंसर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जबकि ई वेपोरेटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। यहाँ जो रेफ्रिजरेंट, जिस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होता है उस सिस्टम लिक्विड को वेपर को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर में कौन कन्वर्ट करता है? ई वेपोरेटर। और वेपर को लिक्विड में कंडेंसर। एक बार ध्यान से देखिएगा, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ई वेपोरेटर। कंप्रेशर क्या करता है? ई वेपोरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेस्ड करेगा तो उसके जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यानी वन पॉइंट पे अगर कोई पूछे कि ई वेपोरेटर के एग्जिट पे रेफ्रिजरेंट की सिचुएशन क्या होगी, तो वो वेपर होगी। क्या होगा? जो रेफ्रिजरेंट है वो किस कंडीशन में होगा? वेपर कंडीशन में होगा। कंप्रेशर के एग्जिट पे जब यू उसको कंप्रेस करेगा, यानी उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा। किस रीजन में? सुपर हीटेड रीजन में, सुपर हीटेड वेपर कंडीशन में। ऑब्वियस सी बात है, सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर में जब प्रवेश करती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कंडेंसर और ई वेपोरेटर, मैंने आपको बताया, फेज चेंज करने का काम करते हैं। कंडेंसर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी सुपर हीटेड वेपर यहां पर सुपर हीटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व से होकर वापस कहाँ चला जाएगा? ई वेपोरेटर में चला जाएगा। ये साइकिल्स चलती रहती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक नंबर, ई वेपोरेटर के एग्जिट पे जो रेफ्रिजरेंट है उसकी पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन या उसकी जो स्टेट है वो कैसी होगी? वेपर होगी। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कंप्रेशर के एग्जिट पे यानी सेकंड नंबर पॉइंट पे जो रेफ्रिजरेंट है उसकी स्टेट क्या होगी? सुपर हीटेड होगी। थर्ड पॉइंट। तीसरा, कंडेंसर के एग्जिट पे जो रेफ्रिजरेंट है उसकी स्टेट कैसी होगी? लिक्विड होगी।
एक्सपेंशन वाल के एग्जिट पे यानी चार नंबर पॉइंट पे उसकी स्टेट कैसी होगी, कंप्लीटली लिक्विड होगी यानी सब कूल्ड होगी, श्योर है। तो एक बात को ध्यान से देखिए, तो इस वीडियो को यही खत्म करते, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।